असलकम दोस्तों आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल एंड असाइनमेंट सेवन पॉइंट वन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम्पल सेवन पॉइंट वन को फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट सेवन पॉइंट वन को एग्ज़ाम्पल सेवन पॉइंट वन जो है इट इज़ अबाउट द डेंसिटी ऑफ मेटल एक मेटल है उसकी डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो इट सेज़ दैट ए रेक्टेंगुलर मेटल पीस हैज लेंथ 0.3 मीटर वेट 0.2 मीटर एंड हाइट 0.1 मीटर इफ इट्स मास इज़ 47.4 सेवन कैलकुलेट इट्स डेंसिटी ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर मेटल पीस है मेटल का एक पीस है जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उसकी लेंथ जीरो मीटर है ट जो है वो जीरो पॉइंट टू मीटर है हाइट जीरो पॉइंट वन मीटर है और इसकी मास फोर्टी सेवन पॉइंट फोर किलोग्राम है तो हमने उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है गिवन डेटा में हमें दिया गया है लेंथ यानी एल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री मीटर वेड हमें दिया गया है इक्वल है जीरो पॉइंट टू मीटर और हाइट जो है इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मीटर इसके बाद हमें दिया गया है मास एम इज इक्वल टू फोर्टी सेवन पॉइंट फोर किलोग्राम हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है डेंसिटी ऑफ दिस रिक्टेंगुलर मेटल पीस डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोस्तों डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे अगर हम इस गिवन डेटा को देखें यहाँ पे हमारे पास मास है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो दोस्तों वॉल्यूम के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि लेंथ इंटो वेट इंटो हाइट ये इक्वेशन है वॉल्यूम के लिए यहाँ पर हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं तो वी विल बी इक्वल टो लें जो है वो जीरो पॉइंट थ्री मीटर है विद हमें दिए गए हैं जीरो पॉइंट टू मीटर और हाइट हमें दिए गए हैं वो इक्वल है जीरो पॉइंट वन मीटर के तो मीटर क्यूब हो जाएगा इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स मीटर क्यूब अब हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन वन में पोट करनी है तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास हमें दिया गया है फोर्टी सेवन पॉइंट फोर के जी और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स मीटर क्यूब जब हम फोर्टी सेवन पॉइंट फोर को जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है अब मैं सॉल्व करता हूं असाइनमेंट 7.1 को असाइनमेंट 7.1 जो है इट इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ डायमंड इस डायमंड की डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो इट सेज दैट ए डायमंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.0002 मीटर क्यूब इट्स मास इज मेजर्ड एज 0.072 किलोग्राम कैलकुलेट इट्स डेंसिटी ये कहता है कि एक डायमंड है उसके वॉल्यूम 0.0002 मीटर क्यूब है और उसकी मास 0.072 किलोग्राम है तो उसकी डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा जो हमें डेटा दिया गया है वो हमने लिखना है गिवन डाटा में हमें दिया गया है वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 टू मीटर क्यूब और मास एम हमें दिया गया है 0.07 पॉइंट किलोग्राम हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो डेंसिटी है डेंसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है तो दोस्तों डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इस इक्वेशन में हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं मास की वैल्यू है 0.072 पॉइंट तो किलोग्राम है और वॉल्यूम जो है इट इज़ इक्वल टू 0.00002 पॉइंट मीटर क्यूब इन वैल्यूज़ को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ये डायमंड की डेंसिटी है तो दिस इज समथिंग अबाउट एग्जांपल सेवन पॉइंट वन थैंक यू